हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हैक्स, जिससे हमें पता चलेगा कि हम कैसे अपने पूरे दिन के अंदर टाइम वेस्ट करते हैं एंड ऑल्सो कि कैसे हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तो अगर आप भी बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं इंटरनेट पे, बार बार स्क्रॉल करके देखते हैं बहुत सारी यूजलेस चीज़ों को, और इफ़ यू कीप रिफ्रेशिंग द इंस्टाग्राम पेज जस्ट टू सी हाउ मेनी लाइक्स यू गॉट, और मे बी आप अपनी टू डू लिस्ट को इतना बड़ा बना देते हैं कि नेक्स्ट डे जब आप अपनी टू डू लिस्ट को उठाते हैं यू फील सो डीमोटिवेटेड दैट यू कीप इट बैक। सो अगर आप सभी यही गलतियां कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये सारी गलतियां हार्मलेस हैं, सो आई एम गोइंग टू डीबंक ऑल दीज मिथ्स इन दिस वीडियो। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, बिकॉज इस वीडियो के अंदर होने वाले हैं बहुत सारे हैक्स एंड अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज फॉर यू ऑल्सो। So, let's begin with the video. And also, if you like our work, don't forget to like, share and subscribe to A Better Life. So, hack number one is problem solver. मतलब कि लेट्स टेक अ सिनेरियो वेयर इन आप एक प्रॉब्लम पे स्टक हो गए हैं, तो आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए। सो एक जनरल रिस्पॉन्स होता है लेट्स मार्क दिस प्रॉब्लम और इसको हम लेटर ऑन सॉल्व करेंगे, बट लेटर ऑन वो टाइम कभी आता ही नहीं है, और एग्जाम में अगर वो प्रॉब्लम आ जाए तो देन इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। सो हाउ टू सॉल्व इट, आई एम गोइंग टू गिव यू टू स्टेप्स फॉर दिस। नंबर वन स्टेप इज गिव 15 मिनट्स टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में स्टक हो जाते हैं और आप इंस्टेंटली उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, तो शायद नेक्स्ट टाइम अगर आप एक सिमिलर प्रॉब्लम को फेस करेंगे तो आप फिर स्टक फील करेंगे। तो आपको 15 मिनट्स के अंदर यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व इट द वे यू थिंक यू कैन सॉल्व इट। बट इवन आफ्टर 15 मिनट्स आप वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, सो देयर इज अनदर सोल्यूशन फॉर यू एंड दैट इज दिस ऐप कॉल्ड इंस्टासॉल्व। सो इंस्टासॉल्व एक ऐसी ऐप है जो आपको हेल्प करेगी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने में, और वो भी कुछ ही मिनट में। मतलब कि अगर आप एक प्रॉब्लम पर स्टक हो गए हैं तो आपको क्या करना है, आपको उस क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक करके अपने फोन से एंड यू हैव टू सेंड इट ऑन इंस्टा सॉल्व, और ऐसा करने के बाद विद इन मिनट्स यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन। नॉट ओनली दिस, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ऐप इज दैट इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, डाउनलोड द ऐप टुडे इटसेल्फ। सो अगर यू गेट स्टक इन एनी ऑफ द प्रॉब्लम, नाउ यू नो हाउ यू कैन गेट द सॉल्यूशंस फॉर योर प्रॉब्लम। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट हैक एंड दैट इज हाउ टू मेक द टू डू लिस्ट। आई एम सो सॉरी टू टेल यू दैट हम सब टू डू लिस्ट को एक गलत तरीके से बनाते आए हैं। तो टू डू लिस्ट हमारे लिए एक बर्डन बन जाती है और हमें बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट कर देती है जिस तरह से हम उसे बनाते हैं, बिकॉज वी कीप पुटिंग ऑल द थिंग्स इन द टू डू लिस्ट, और जब नेक्स्ट डे हम उस टू डू लिस्ट को पिक करते हैं तो हमें लगता है इट्स इम्पॉसिबल टू कम्प्लीट ऑल दीज टास्क एंड वी कीप इट अवे। तो हमें बनानी कैसे चाहिए टू डू लिस्ट, सो देर आर 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 इज ब्रेन डंप। मतलब आपको एक पेपर के ऊपर जो भी आपको टास्क माइंड में आते हैं जस्ट राइट देम डाउन। ये टास्क कुछ भी हो सकते हैं, रिलेटेड टू योर हाउसहोल्ड चोर्स, रिलेटेड टू योर स्टडीज, रिलेटेड टू व्हाट यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड्स, और एनीथिंग, जस्ट राइट इट डाउन। दिस इज कॉल्ड ब्रेन डंप। इससे आपका माइंड फ्री हो जाता है। नाउ वी कम टू स्टेप नंबर 2 एंड दैट इज प्रिपेयरिंग अ पिरामिड। सो इस पिरामिड के अंदर सबसे पहले द टॉप मोस्ट विल बी द हाई प्रायोरिटी वर्क। ये वो वर्क होंगे जो हमें सबसे ज्यादा रिजल्ट यील्ड
करते हैं। Now we come to the second part of the pyramid, that is the medium priority work. ये वो work होंगे जो हमारे medium priority पे है, which are not on high priority. And the third part of the pyramid will be the low priority work. ये वो work होंगे जो सबसे least priority पे है और जिनको आपको सबसे end में pick करना चाहिए। Now what I'm going to do is brain dump के बाद next step है हमारा pyramid. Pyramid के अंदर अब मैं इनको different colors allocate कर दूंगी। So for example, high priority work को मैंने red दिया and medium priority work को blue दिया and least priority work को yellow दिया। Now I'm going to color all the high priority work in the color red. और उसके अंदर से I will only pick 3 tasks and ये 3 tasks आएंगे मेरे to-do list के अंदर। And जब मैं इन 3 tasks को complete कर लूँगी, then I will move on to my medium priority work. ऐसा करने से we will only focus on the high priority tasks जो हमें better results yield करेंगे। Now we come to the third hack and that is break the illusion by logging your day. हम सबको ये illusion होती है कि हम अपने पूरे दिन को बहुत अच्छे से utilize करते हैं। हमें लगता है कि हम बिल्कुल भी time को waste नहीं करते हैं। Why? Because we are busy throughout the day. Why? Because we are tired at the end of the day. मतलब हमने बहुत पढ़ाई करी होगी, मतलब हमने अपने पूरे दिन को बहुत productively use किया होगा। But this is wrong. और अगर आप जानना चाहते हैं, so try out this activity. तो इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है, आपको एक पेपर लेना है एंड फॉर 2 होल डेज यू हैव टू मेंटेन दिस लॉग वेयर इन आपको लिखना है कि हर घंटे में आपने क्या क्या एक्टिविटी करी। सो ऑन दिस पेपर यू टू राइट एट 7 AM आई डिड दिस, एट 8 AM आई डिड दिस, और जितनी भी एक्टिविटीज आपने दिन में करी जस्ट राइट इट डाउन, बी इट स्क्रोलिंग योर फोन, बी इट टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, जस्ट राइट इट डाउन फॉर 2 होल डेज। इससे क्या होगा, इससे आपको ये पता लगेगा कि आपने कितना टाइम वेस्ट किया, नंबर सेकंड आप प्रोडक्टिव किस टाइम पर होते हो, नंबर थर्ड आप किस टाइम पे सबसे ज्यादा अनप्रोडक्टिव या डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन प्लान योर नेक्स्ट डे। यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट ऑन एन एवरेज वी वेस्ट ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स इन अ डे। नाउ वी कम टू हैक नंबर 4 एंड दैट इज लिस्ट डाउन द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स। एवरी डे हमारे पास डिफरेंट टाइम स्लॉट्स ऐसे होते हैं जब हम फ्री होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मंडे को हो सकता है मे बी वी आर ओनली फ्री फॉर 15 मिनट्स, ट्यूजडे को वी आर फ्री फॉर 30 मिनट्स एंड वेंसडे को वी हैव अ गुड स्लॉट ऑफ 1 आवर। बट क्योंकि हमारे ब्रेन को ये नहीं पता कि अगर हम इस स्लॉट में फ्री हैं तो हमें क्या करना चाहिए, सो द इजिएस्ट पॉसिबल वर्क जो हमारा ब्रेन हमें सजेस्ट करता है एंड दैट इज टू पिक अप योर फोन एंड स्टार्ट स्क्रोलिंग इट। And isme we spend hours and hours together. So what we need to do is, so you have to take a sheet and divide it into 3 parts. First part mein aap likhenge 1 hour, second part mein 30 minutes and third part mein you will write 15 minutes. So yahan par hum wo sare alternatives likhenge jo hum kar sakte hain for 1 hour. If we have 30 minutes to hum kya kya kar sakte hain, aur if we have 15 minutes to hum क्या क्या कर सकते हैं। नाउ इन सब ऑल्टरनेटिव्स को वी विल कीप इन फ्रंट ऑफ आर आई, सो व्हेनेवर नेक्स्ट टाइम यू हैव दोस 15 मिनट्स अवेलेबल विद यू, नाउ यू नो व्हाट ऑल यू कैन डू इन दोस 15 मिनट्स। पॉइंट नंबर 5 इज रिलैक्स एंड अनवाइंड। सो जब भी एग्जाम आने वाले होते हैं, सो वी स्ट्रेस अ लॉट और हम अपना पूरा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं पढ़ाई में, और अगर हम गलती से भी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं सो वी स्टार्ट फीलिंग गिल्टी अबाउट इट। बट डू यू नो कि ये ब्रेक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ब्रेक आपके माइंड में जो इंफॉर्मेशन आपने डाली है उसे असिमुलेट करने के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यू नो हाउ, लेट मी टेल यू। सो जब भी हम किसी प्रॉब्लम में स्टक हो जाते हैं, दैट टाइम हमारा कॉन्शियस माइंड उस पर वर्क कर रहा होता है, और जब हम उसको वहां छोड़कर एंड व्हेन वी टेक अ ब्रेक एंड सडनली वी नो कि आंसर क्या था, इट इज बिकॉज अब हमारे सब कॉन्शियस माइंड ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। एंड जब हम अपने कॉन्शियस माइंड को रेस्ट देते हैं तभी हमारा सब कॉन्शियस माइंड वर्क करता है। सो नेक्स्ट टाइम
when you take a small break during your study sessions. So rest assured that you are not wasting the time. You are in fact making the best use of the time. This does not mean that we'll take big breaks of 1 hour or 2 hours. Let's restrict the timings of the breaks, but do take breaks in between. With this, we come to an end to this video. So don't forget to download the app called InstaSolve in your phones today. And the best part is, it is free of cost. I'll leave the link in the description box and I'll see you in my next video. Till then, take care and stay productive. Bye-bye.